सत्तर कुंज नाम संकीर्तन महाजग होगा। डोरपा बिरुडी एवं चंदामसीना मत्स्थल मैदान में 2 मार्च कलश यात्रा होगा और 3 से नाम जग शुरू होगा। 11 को सुबह जागरण शिव चतुर्दशी का दिन होगा। धलोट प्रसाद होगा 12 को। 9 के बीच में क्या कीर्तन होगा? क्या होगा? क्या कीर्तन होगा? नाम कीर्तन 73 कुंज में ही नाम कीर्तन होगा। दिन रात होगा? दिन रात अखंड हरिनाम कीर्तन। क्या नाम होगा बाबा? मेरा नाम दंडी बाबा हुआ। तो दोस्तों देखिए, ये सभी को निकले हुए हैं कलश यात्रा में, भारी संख्या में काफ़ी भीड़ है। ये बहुत ही ऐतिहासिक कीर्तन होने वाला है यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, देखिए कितने सारे लोग सभी को कलश यात्रा में निकले हुए हैं। और आप लोग जरूर एक बार आइए यहाँ पे और कीर्तन देखिए, हरिनाम कीर्तन का आनंद लीजिए। কম আছে না কম বেশি আছে হিলো মা জয় 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 জয়
Thank you.
झालदा प्रखंड के डोडपा बिरुडी चंदा मिश्रा गांव के बीच 73 कुंज हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन 2 मार्च से शुरू होने वाला है, जो 12 मार्च तक चलेगा। यह धार्मिक आयोजन 9 दिनों तक चलेगा, जो बाबा अनंत के निर्देशानुसार 73 मंदिर का निर्माण लकड़ी बांस बनी वाल के द्वारा किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में आसपास के सभी लोगों गांव के लोग आर्थिक और शारीरिक सहयोग दे रहे हैं। दिन रात लोग इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें महिला पुरुष बूढ़े एवं बच्चे शामिल हैं। सभी मंदिरों में 9 दिनों तक हरि कीर्तन होगा। यह आयोजन भव्य होगा और ऐतिहासिक होगा। बाबा अनंत सिल्ली के देलबेड़ा शिव मंदिर से 2013 के जुलाई महीने में दंड प्रणाम कर 70 दिन में देवघर बाबा धाम पहुंचे थे और जलाभिषेक किए थे। कोविड के बाद पहला ऐसा अनुष्ठान इस क्षेत्र में।